मॉर्निंग क्लास फर्स्ट ओपन योर इंग्लिश बुक एंड ओपन योर कंटेंट्स। तो बच्चों आपके जो फर्स्ट यूनिट टेस्ट स्टार्ट होंगे तो उसका आप सिलेबस लिख लीजिए। सिलेबस में ओनली आपके 2 लेसन आएंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड, माय फैमिली एंड एट द जू। ये आपके 2 चैप्टर आपके फर्स्ट यूनिट टेस्ट में आएंगे। और जैसे कि आप जानती हो आपका यूनिट टेस्ट 25 मार्क्स का होता है, तो ये जो आपका क्वेश्चन पेपर बनेगा 25 मार्क्स का ही बनेगा। तो इसमें माय फैमिली हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें हम रिवीजन देख लेते हैं कि हमने इसमें क्या क्या किया था। हमने माय फैमिली के बारे में पढ़ा था, यानी कि रोहन की फैमिली के बारे में पढ़ा था। तो इसमें हमने सबसे पहले क्या किए थे, इसमें वर्ड मीनिंग किए थे। तो आप सब बच्चों को क्या करना है, ये वर्ड मीनिंग लर्न करना है, क्योंकि पेपर में आपके वर्ड मीनिंग भी आएंगे। तो सारे जितने आपको वर्ड मीनिंग लिखा गए हैं उनको आप याद करेंगे। उसके बाद हमने माय फैमिली में टिक द करेक्ट आंसर लिखे थे, तो टिक द करेक्ट आंसर भी आप पढ़ लेंगे, इसमें से भी आपका आएगा। जैसे रोहन लिव्स इन अ बिग या स्मॉल हाउस था, तो बिग में हमने करेक्ट करना है। रोहन हैज़ अ ब्रदर या सिस्टर, तो सिस्टर में करेक्ट करना है। हु लुक्स आफ्टर द हाउस, तो मदर लुक आफ्टर द हाउस, इसमें टिक करना है। हु इज़ डॉक्टर, तो फादर इज़ अ डॉक्टर, इसमें टिक करना है। हु इज़ बिगर, तो रोहन इज़ बिगर। तो इस प्रकार से आपने टिक करना है। आगे कुछ सेंटेंस थे, जैसे री राइट द सेंटेंस बिगिन विद अ कैपिटल लेटर एंड विद अ फुल स्टॉप। तो आपने इन सेंटेंस को क्या किया था, दोबारा लिखा था और फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा था और लास्ट में फुल स्टॉप लिखा था। तो इस प्रकार से भी आपके सेंटेंसेस पेपर में आ सकते हैं। आगे हम लेट्स राइट में आपका यहाँ पे सेल्फ इंट्रोडक्शन था, जैसे माय नेम इज़, माय इयर्स, आई एम 6 इयर्स ओल्ड, द नेम ऑफ स्कूल, आई स्टडी इन क्लास, आई लव टू प्ले। तो ये भी आपको लर्न करना है। एंड चूज़ द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द एप्पल इन द फिल इन द ब्लैंक्स। आपके पास एक वर्ड्स बॉक्स दिया जाएगा जिसके अंदर कुछ वर्ड्स लिखे जाएंगे और आपने उनको रीड करके उनको पढ़ना है। तो आपको सेंटेंस रीड करना भी आना चाहिए। आप जैसे ये आई लव टू रीड है, तो इसका मीनिंग भी आपको समझ में आना चाहिए। आई लव टू रीड बुक्स, मुझे किताब पढ़ना पसंद है। आई प्ले लूडो, मैं लूडो खेलता हूँ। आई लाइक टू ईट एन एप्पल, मुझे एप्पल खाना पसंद है, सेब खाना पसंद है। आई हैव अ पेट डॉग, मेरे पास एक पालतू कुत्ता है। एंड माय फादर इज़ अ डॉक्टर, और मेरे पापा क्या हैं, डॉक्टर हैं। तो इसी प्रकार से आपका फर्स्ट और सेकंड चैप्टर आएगा, तो आप फर्स्ट और सेकंड चैप्टर की तैयारी कर लीजिएगा। इसी प्रकार से आपकी वर्ड मीनिंग, दोनों लेसन के वर्ड मीनिंग भी आएंगे। ठीक है, तो आज इतना ही। आप फर्स्ट चैप्टर को ध्यान से देखिए, उसको लर्न करिएगा। तो आज हम इतना ही करेंगे। ओके।